मनाली भारत का एक बहुत ही फेमस और बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से है, और मनाली कौन नहीं जाना चाहेगा। हिमालय की पहाड़ी में बसा हुआ ये खूबसूरत सा जगह और वहाँ के शानदार नज़ारे, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, चारों तरफ ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और बहती हुई नदियाँ आपको वहाँ जाने के लिए मजबूर कर ही देगा, और आपको भी जाना जरूर चाहिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको उस जगह के बारे में अच्छे से सारी जानकारी मिले, और कैसे टूर को खुद से प्लान करें और कितना खर्चा आएगा, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नया इन्फॉर्मेटिव टूर प्लान वीडियो में, और बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो सभी का रहता है कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है मनाली जाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि वैसे तो जुलाई और अगस्त जो कि बारिश का महीना होता है वहां पर, वो दो महीना छोड़कर आप पूरे साल ही जा सकते हो। बट अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो दिसंबर से लेकर मार्च तक आपको वहां पर बहुत सारी स्नो और स्नोफॉल्स भी मिलेंगी। स्पेशली मिड जनवरी और फरवरी का महीना बेस्ट होती है अगर आप स्नो लवर हो, क्योंकि उस टाइम चांसेस बहुत ज्यादा होती है स्नोफॉल होने का, और टेम्परेचर भी माइनस में रहती है दिन भर। और अप्रैल से जून वहां पर पीक सीजन स्टार्ट होता है और बहुत ज्यादा रश भी होती है उस टाइम, तो आपको ट्रैफिक भी भरपूर मिलेगा वहां पर। अब मनाली आप कैसे पहुंच सकते हो? पहले तो मनाली पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला है बाई फ्लाइट, आप कुल्लू तक पहुंच सकते हो डायरेक्ट, और कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट से मनाली मेन मार्केट तक आपको कुछ एक घंटा लग जाएगा पहुंचने में। लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि आप दिल्ली या चंडीगढ़ तक पहुंच जाइए बाय ट्रेन और फ्लाइट, और फिर वहां से आप वॉल्वो बस लेकर ओवरनाइट जर्नी करके पहुंच सकते हो मनाली। कोशिश करें कि अगर आपको चंडीगढ़ तक सस्ता फ्लाइट या ट्रेन का टिकट अवेलेबल मिल जाता है तो वो लेना प्रेफर करें, तो आपको बस का जर्नी कुछ 4 घंटे शॉर्ट हो जाएगा। वरना आप दिल्ली से भी ले सकते हो वॉल्वो बस, जो आपको कुछ 1000-1500 के प्राइस रेंज में बहुत सारी बसेस के ऑप्शंस मिल जाएगा, और कुछ 13-14 घंटे का जर्नी होता है मनाली तक का। या आप प्राइवेट टैक्सी लेकर भी जा सकते हो मनाली दिल्ली या चंडीगढ़ से, या सेल्फ ड्राइव करके भी जा सकते हो अपने पर्सनल गाड़ी में, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन एक ग्रीन टैक्स परमिट निकालना पड़ता है जिसका चार्जेस होता है बाइक के लिए 100 और कार्स के लिए 200 रुपए, वरना आपको मनाली में एंट्री नहीं मिलेगा। फिर मनाली पहुंचने के बाद डे 1 को पहले आप अपने होटल में चेक इन करें, और उस दिन बस रिलैक्स करें और कुछ एक्टिविटीज या साइट सीइंग के लिए ना जाए, जस्ट थोड़ा सा वॉक के लिए निकले, या आप मनाली मॉल रोड में भी जा सकते हो शाम को अगर आपको कुछ खरीदारी करना है, और आसपास के कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। वरना आप बस उस दिन उस जगह की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए अपने होटल के बैल्कनी में बैठकर आराम से, और अपने फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, और कोशिश करें कि आप होटल मनाली मेन मार्केट से कुछ 4-5 किलोमीटर के पीछे की तरफ ले, ताकि वहां से आपको शानदार व्यूज मिले और पहाड़ों के बदलते हुए मौसम को देखकर एंजॉय भी करें। हम लोग रुके थे हिमालयन हाइट्स होटल में, जिसका प्राइस पड़ा था 2000 रुपए पर नाइट का, और वो था प्रीनी में। हम लोग ऑफ सीजन में जुलाई के टाइम गए थे, तो उस टाइम होटल प्राइस सस्ते होते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लेना प्राइस जब भी आप जा रहे हो। अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, प्रीनी साइड में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स का ऑप्शंस मिल जाएगा, तो आप कोई भी होटल्स बुक कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। डे 2 को आप एक्सप्लोर कीजिए ओल्ड मनाली, जानने के लिए वहाँ के कल्चर्स, लकड़ी के खूबसूरत कारीगरी से बने घर, मंदिर और बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारी जगह घूमने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कूटी या बाइक, जो आपको मिल जाएगा 500-600 रुपए में, वरना आप एक कैब भी हायर कर सकते हो पूरे दिन के लिए, जो आपको पड़ जाएगा 1500 के आसपास। तो आप स्टार्ट कीजिए अपना दिन हडिंबा देवी टेम्पल से। और ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो महाभारत में भीम की जो पत्नी थी उनका नाम था हडिंबा, और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है, जिसको बनाया गया था महाराजा बहादुर सिंह द्वारा 1553 में। और ये जगह बहुत ही फेमस और खूबसूरत है, चारों तरफ आपको पाइन ट्रीज के बीचों में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जवानी है दीवानी मूवी भी शूट हुआ था, तो आप वहाँ पर अच्छे से फोटोज भी निकाल सकते हो मनाली के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर, जो 50-100 रुपए में आपको मिल जाएगा ड्रेसेस, या रैबिट्स को पकड़ के आप फोटोज भी ले सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। फिर वहां से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर आप जा सकते हो म्यूजियम में, हिमाचल के कल्चर और आर्ट्स के बारे में जानने के लिए, साथ में आप जा सकते हो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी, और ये सारे प्लेसेस 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आ जाते हैं, आप बाय वॉक ही सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो।
उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा टाइम मॉल रोड में बिता सकते हो, और खाने पीने के लिए वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस भी है, तो आप जो है अपना लंच भी वहाँ कर सकते हो। फिर मॉल रोड से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर है मनु टेम्पल, और वहाँ पर भी आप जाइए और दर्शन करने के बाद आप बस थोड़ा घूमिए आसपास, और आपको बहुत सारी ऐसी स्पॉट्स मिलेंगी जहाँ से खूबसूरत व्यूज आते हैं बर्फीले पहाड़ों की। बहती हुई ब्यास नदी के सामने जाकर आप फोटोज वीडियोस ले सकते हो, साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज भी है आसपास, तो आप अपना इवनिंग का टाइम भी वहाँ अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। फिर आप जाइए वशिष्ठ टेम्पल, जो लगभग 4000 साल पुराना मंदिर है, और ये मंदिर हमारे हिंदू एपिक रामायण में जो भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, उन्हीं का है ये मंदिर। आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, लकड़ी के खूबसूरत कारीगरी से बना हुआ ये मंदिर, और साथ में यहाँ पर नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, और बहुत लोग वहाँ जाकर नहाते भी है हॉट वाटर में, जिसमें लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग एंट्रीज बने हुए है, तो आप एक डुबकी तो जरूर लगा सकते हो इस गर्म पानी में, और ऐसा माना भी जाता है कि इससे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और ये सारे प्लेसेस देखने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है और अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आप वशिष्ठ टेम्पल से जो है ट्रैक करके जा सकते हो जोगिनी वाटरफॉल्स, जो कुछ 45 मिनट से 1 घंटे का ट्रैक होता है, और ये वाटरफॉल्स बेहद ही खूबसूरत है। और एक एक्स्ट्रा ड्रेस तो साथ में जरूर रख के बैग में वहाँ जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पर आपको फॉल्स के सामने जाने का और भींगने का मन तो जरूर करेगा, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप ट्रैक कर पाते हो तो। हाँ, थोड़ा हाथ में टाइम रख के जाइए वहाँ, क्योंकि रास्ता कुछ कुछ जगह बहुत ही नैरो और स्टीप भी है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकता है आपको वहाँ पहुँचने में। या तो अगर आपको लगता है कि पहला दिन डे वन में आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो होटल में बैठ के, तो डे टू के कुछ प्लेसेस आप डे वन में भी कवर कर सकते हो, तो डे टू में आपके पास अच्छा खासा टाइम भी बच जाएगा जोगिनी वाटरफॉल्स ट्रैक के लिए। तो इस तरह आप प्लान कर सकते हो अपना पूरा दिन। डे थ्री को आप कीजिए सारे एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसके लिए जो सबसे फेमस जगह है वो है सोलांग वैली। यहाँ पर आप कर सकते हो बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग, ट्यूब राइड, एटीवी राइड, साथ में आप कर सकते हो पैराग्लाइडिंग जो बहुत ही फेमस है वहाँ का, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट हाइट से भी फ्लाई कर सकते हो जिसका प्राइस कुछ 1000 रुपए होते हैं, या आप हाई फ्लाई भी कर सकते हो जहां आपको बहुत हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं और वहां से आप फ्लाई करते हो, और बहुत अमेजिंग होता है ये एक्टिविटी, और इसका चार्जेस कुछ 2 से 2500 होता है, और ये सीजन टू सीजन वेरी करता है। और हाँ, सोलांग वैली जाने से पहले एक जगह आता है जिसका नाम है नेहरू कुंड, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों के बीच से नेचुरली फिल्टर्ड चिल्ड ठंडा ठंडा पानी, और उस पानी का जो स्वाद और पीने के बाद जो सुकून मिलता है उसका कोई जवाब नहीं, तो आप भी जो है अपने पानी का बोतल जरूर फिल करें वहां से। नाउ ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद आप जा सकते हो अटल टनल से होते हुए सिसु, जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहां के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है, और आजकल बहुत फेमस भी हो गया ये जगह और बहुत लोग जाते भी है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा खूबसूरत सिसु वाटरफॉल्स, और आप वहां तक ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, वरना वहां की खूबसूरती को बस एंजॉय कीजिए। नाउ अगर आप मनाली जून से लेकर सितंबर के बीच जाते हो तब सोलांग वैली में आपको बर्फ नहीं मिलेगा, तब उस टाइम ज्यादातर लोग जाते हैं रोहतांग पास, जिसके लिए आप एक कार हायर कर सकते हो जिसका चार्जेस आपको पड़ जाएगा 4500 रुपए 6 सीटर कार के लिए, और 2500 से 3000 छोटे कार के लिए इंक्लूडिंग परमिट। और अगर आप अपनी खुद की पर्सनल कार लेके जाते हो तब आपको वहां जाने के लिए ऑनलाइन एक परमिट निकालना पड़ता है जो आपको मिल जाएगा 500 रुपए में। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि रोहतांग पास ट्यूजडे को बंद रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना आइटिनरी को प्लान करें। और ये पूरा एक डे टूर होता है जहां आप पहले सुबह सुबह निकलते हो मनाली से रोहतांग पास के लिए। ये जर्नी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सीनिक रूट में से माना जाता है, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। फिर वहां पहुंचकर आप सारे स्नो एक्टिविटीज कर सकते हो, फिर वहां से निकलकर आप पहुंचते हैं सिसु, जहां से आप अटल टनल से होते हुए आप सोलांग वैली पहुंचकर पैराग्लाइडिंग करके आप रिटर्न भी हो सकते हो अपने होटल के लिए। या अगर आप अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जाते हो तब रोहतांग पास का रास्ता बंद रहता हैवी स्नोफॉल के कारण, तब उस टाइम ज्यादातर लोग सोलांग वैली जाते हैं सारे स्नो एक्टिविटीज करने के लिए, और ऐसा ही होता है आपका डे थ्री खत्म। डे फोर को आप जाइए डे ट्रिप के लिए कुल्लू की तरफ, और वहां पर पहले आप जाइए नगर, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक प्राचीन विलेज और कैपिटल भी हुआ करता था। और यहाँ पर आप जाइए नगर कैसल में, और ये मनाली से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप एक स्कूटी हायर कर सकते हो 500 रुपए में, या आप कैब से भी जा सकते हो जो आपको 1200 में मिल जाएगा। इस कैसल को कुल्लू के राजा सिद्धसिंह द्वारा बनाया गया था 1460 AD में, और ये पूरा कैसल को सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बनाया गया था, और ये अर्थक्वेक प्रूफ भी है, क्योंकि जब बहुत साल पहले यहाँ पर भूकंप आया था तो आसपास के सारे घर टूट गया था, लेकिन इस कैसल को
कुछ नहीं हुआ था। फिर बाद में जाकर 1978 में हिमाचल टूरिज्म ने इसको होटल में बदल दिया और आज के टाइम आप यहाँ जाकर रह भी सकते हो और यहाँ से व्यू भी बहुत ही शानदार आता है। फिर आप वहाँ से जा सकते हो जगत सुख टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है भगवान शिव जी का। और उसके बाद आप चाहो तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो ब्यास नदी के ऊपर, वो भी बहुत ही फेमस है वहाँ का। और आपको बहुत सारे काउंटर्स भी दिख जाएंगे ऑन द वे पर राफ्टिंग के लिए। फिर आप जाइए लास्ट में कुल्लू शॉल फैक्ट्री, जहाँ से आप खरीद सकते हो वहाँ के लोकल मेड शॉल्स, ब्लैंकेट और बहुत सारी अलग अलग उलन आइटम्स खुद के लिए या गिफ्टिंग के लिए भी। फिर शॉपिंग करने के बाद आप इवनिंग को निकल जाइए बस से दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए अपने घर के लिए, जहाँ से भी आपका रिटर्न फ्लाइट या ट्रेन का टिकट है। और ऐसे ही खत्म होता है आपका 4 दिन का खूबसूरत मनाली का ट्रिप। तो अब बात करते हैं कि खर्चे की, कि क्या बजट होना चाहिए आपका ये ट्रिप के लिए। सो 3 नाइट 4 डेज का मनाली ट्रिप का जो खर्चा होगा वो कुछ ऐसा है, जहाँ होटल आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हो और एक्टिविटीज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज ये बजट होगा आपका मनाली ट्रिप का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।